आदरणीय सभापति जी, हमें यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी बड़े भाषण दिए गए और आए दिन हमको जरा समझाया जाता है। मैं जरा आज एक घटना कहना चाहता हूं और ये घटना भी गोवा के एक सपूत की घटना है, गोवा के एक सम्माननीय, गोवा की धरती के एक बेटे की कथा है। अभिव्यक्ति के संबंध में क्या होता था, कैसे होता था, ये उदाहरण मैं देना चाहता हूं। व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें करने वाले लोगों का इतिहास मैं आज खोल रहा हूं, क्या किया है। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है, देश को बहुत बड़ी खोट है। लेकिन लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था, उनका गुनाह यह था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता, तो सावरकर जी ने उनको कहा क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या, मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या। तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया, 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। कांग्रेसी सरकारों ने दौरान किस प्रकार जुल्म हुए, ये सिर्फ हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा के बेटे के साथ हुए ऐसे नहीं, इसकी सूची काफी लंबी है। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज उठाता है, जरा भी आंख ऊंची करता है तो क्या होता है। सीताराम केसरी को हम भली भांति जानते हैं, क्या हुआ ये हमें पता है।